और ये है आपका टीवी यूनिट है, यहाँ पे टीवी लगा नहीं है बट बहुत जल्द लग जाएगा यहाँ पे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, बहुत सारा हमारा कमेंट आ रहा था कि अपना घर दिखाइए, घर दिखाइए। तो आज मैं अपना घर दिखाने वाला हूँ, वो भी आज मेरी मम्मी दिखाएगी मेरा घर। क्योंकि हम लोग एक रहते थे क्वार्टर में रहते थे, और वहाँ का सिचुएशन मतलब उतना ठीक नहीं था, हमेशा पानी गिरता था ऊपर से, छत से, मतलब सीपेज पूरा करता था। लेकिन अभी क्या है ना, हमारा खुद का घर हो गया है यहाँ पे, हमारा नहीं, मेरे पापा और मेरा मम्मी का है, ठीक है, मैं रहता हूँ, समझ लो अब। तो आज मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा अपना घर का। मम्मी पापा के साथ में बेटा भी है। अच्छा, जब मेरा बनेगा तब मेरा होगा। नहीं, ये नहीं, आपके है, मम्मी पापा के नहीं है, आपके घर है। तो मैं बाहर से थोड़ा आप सबसे पहले व्यू दिखा देता हूँ, और ये वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते, पूरा घर का आज व्यू दिखाने वाले हैं, है ना माँ, है ना। हाँ। तो मैं यहीं पे खड़ा रहूँ, मैं दिखाता हूँ, ये देखो कुछ बाहर का व्यू कुछ इस टाइप का है। ओ, बड़ा सा घर हमारा नहीं है, उधर मत ध्यान देना, ठीक है, हमारा घर ये छोटा सा प्यारा सा घर है। ये बड़ा गेट है हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, हाँ, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता हम लोगों का, बट जितना भी यूज़ होता है वीडियो में आप बहुत बार देखे होंगे। बाकी जनरली हम लोग ये वाला गेट को ज़्यादातर यूज़ करते हैं अभी। और यहाँ पे गाड़ी हम लोग का एक है, बैलेनो, छोटा सा प्यारा सा ये गाड़ी हम लोगों का है बैलेनो, इसको लॉक कर देते। पहले मैं साइड का व्यू दिखा देता हूँ, नहीं चलो पहले मैं घर का व्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा बाइक है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, आर्यन डांस ब्लॉग। तो बाहर से दो गेट आपको देखने को मिलेगा, पहला गेट ये है, ये गेस्ट रूम के तौर पे हम लोग यूज करेंगे ये वाला रूम को, क्योंकि इसमें अटैच बाथरूम है, और अंदर से जाने के बाद आपको क्लियर होगा। बाकी एक हम लोग का यहाँ से मेन गेट है, सीढ़ी रूम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का ये सीढ़ी रूम है। बगल में यहाँ हम लोग बोरिंग करा के रखे हैं, कुछ कपड़ा है ये, रहन दो, कुछ कपड़ा है ये अपना, पोछा होता है उसका कपड़ा, यहीं पे सूखता है, समझ लो, ठीक है। ये छोटा सा ये गली है, करीब 1.5 फीट का ये गली है, इधर से कम स्पेस था तो 1.5 फीट का ये गली है हमारा, बट उधर चौड़ा है, उधर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, यहाँ मोटर लगा है, यहाँ पे हम लोगों का लगा है क्या, मोटर लगा हुआ है, मतलब बिजली का यहाँ पे सिस्टम है। हाँ। और ये आपका मीटर हो गया, मीटर मोटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये जूता का स्टैंड इधर है हमारा सामने। और यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, कुछ इस टाइप का इधर बना हुआ है, और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे हॉल की ओर। हॉल में आते ही कुछ अलग का फ्लेवर वाला लुक दे रहा है, आप देख पा रहे हैं इधर, ये देखो, हॉल है, हाँ, ये हॉल है, बैठने वाला, खाने वाला, ये हॉल है। और हॉल में घुसते ही मान लो ये वाला सीढ़ी रूम था, यहाँ से घुसते ही सीधा जाएंगे तो ये किचन चले जाएंगे, ये वाला किचन है, देखो चारों साइड में ये आपको किचन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हमारा किचन हो गया, किचन है, ये वाला देखो लगाया, पानी वाला आरओ, ये आरओ है, हाँ, पानी पीने वाला। ये कुछ दिन पहले ही हम लोग का फर्नीचर हुआ है क्या मम्मी, क्योंकि मम्मी ड्राम वगैरह रखी थी चावल आटा का, तो बाहर से दिखता था, तो मम्मी बोली कि करवा दो, ये वाला हम लोग को करवा दिए। यहाँ पे हम लोग हमारा प्यारा सा एक फ्रिज है, ठीक है, बाकी देखो गैस है इधर है, ये है, ये है, बाकी एक यहाँ जो दो छत्ती भी बनवा दिए हैं, देखो तीन को जलाने वाला, एक नहीं तीन तीन जल लेने वाला, चावल दाल सब्जी एक साथ तीनों बन जाएगा, तीनों बन जाता है, लेट बता तीनों जला दो, तीनों में फटाफट हो जाता है। हाँ, और यहाँ हम लोगों का दुछत्ती है, मान लो कि अगर किचन का कुछ सामान एक्स्ट्रा अगर बच गया बड़ा बड़ा, तो इसके अंदर में हम लोग रख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ड्राम वगैरह रखा हुआ है, इस तरह का डब्बा रखा हुआ है ना, कढ़ाई है, किचन का माने जितना भी सेट बड़ा बड़ा आता है ना, तो किचन का सारा किचन में ही रह जाता है। और यहाँ से हॉल हम लोग निकल जाएंगे, किचन से भी निकले, किचन से सटाई एक रूम है, ये वाला रूम आप देख सकते हैं, ये भी अटैच बाथरूम है, इसमें भी अटैच बाथरूम है। और इसका बाथरूम का सिस्टम क्या है मैं दिखाऊंगा, उधर से शायद लॉक होगा, उधर से लॉक है ना, तो इसका सिस्टम मैं दिखाऊंगा ना, सबसे यूनिक वाला ये सिस्टम है, लेकिन क्या मम्मी, ले लाइट चला गया, लाइट चला गया। ये वाला जो बाथरूम आप देख रहे हैं, वो मैं इस गली से जाके अच्छे से क्लियर करके दिखाऊंगा। बाकी मेरा रूम का कलर आप देखिए कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्या मम्मी, आ जाओ। बाकी ये हॉल था, हॉल से इधर रूम चला गया, अब रूम से एक सट के वो गली जा रहा है। इस गली में अभी क्या है, देखो इधर से हम लोग का गेट है, एक इधर से गेट है, वो मैं गली से जब आऊंगा उस टाइम दिखाऊंगा, अभी फिलहाल ये मेरा बाथरूम है।
ये देखो ये बाथरूम है, इसी गेट के बारे में मैं बोल रहा था ठीक है, वो रूम से भी अटैच है और ये कॉमन के जैसा भी अटैच है, कॉमन के जैसा भी इसको यूज कर सकते हैं। बाकी ये मेरा बाथरूम है, ये देखो प्यारा सा बाथरूम है ठीक है। और ये वाला गेट के बारे में मैं उधर से बताऊंगा, जब बाहर से गली में दिखाऊंगा तब ठीक है। और यहाँ मेरा मम्मी बेसिन है हाथ धोने वाला, बाथरूम का निकलो यहाँ धो, मुंह हाथ कुल्ला करो ठीक है, बाथरूम से निकल के मुंह हाथ धो लो, कुल्ला कर लो, हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जा। अभी चलो और मैं दिखाता हूँ दूसरा रूम, ये वाला हॉल है, हॉल से सट के एक और रूम है इधर हाँ, ये देखो ये वाला रूम का देखो कलर कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा तो कमेंट कीजिएगा ठीक है। ऑरेंज है, ब्लू है, येलो है, येलो है, इस टाइप का कुछ कलर है इधर। बाकी ये वाला रूम इधर आप देख पा रहे हैं ठीक है, अच्छा है। चलो नेक्स्ट आपको रूम दिखाते हैं, और उधर से सीढ़ी रूम, किचन रूम, गली और ये वाला रूम, और ये है आपका टीवी यूनिट है। यहाँ पे टीवी लगा नहीं है बट बहुत जल्द लग जाएगा, यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ लग जाएगा ठीक है। बाकी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ये पूजा रूम स्टार्ट होता है ये देखो ठाकुर जी ठीक है हाँ। ये पूजा रूम है मेरा, पूजा रूम है, शादी लगे हुए कार्ड चढ़ा दिया दुर्गा माँ जी ने, ये देखो शादी भैया का है, सबसे पहले कार्ड यहाँ पे चढ़ा हुआ है हाँ, कार्ड चढ़ा दिया। और रूम से ये निकलते ही इसको लॉक कर दो, इसको बंद कर देते हैं, पूजा होता है तभी ये खुलता है, पूजा हो जाएगा खोल देते हैं, पूजा हो जाए बंद कर देते हैं। ये बंद यहाँ से हो गया फिलहाल अभी हाँ। और यहीं से सट के एक रूम है मेरा, देखो ज्यादातर ये मैं इसी में रहता हूँ क्योंकि देख सकते ट्राइपॉड स्टूडियो मेरा यही है ठीक है। ये प्यारा सा रूम है एकदम प्यारा सा ठीक है। ये जो मैं बाहर से बोला था कि एक गेट है, तो ये गेस्ट रूम के तौर पे यूज होता है क्योंकि बाहर से जितने लोग भी आते हैं सारे लोग यहाँ से एंट्री करके यहीं पे सोना पहना उठना, और साथ ही साथ एक यहाँ पे बेसिन है और इधर बाथरूम भी है आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे एक बेसिन है इधर देखो क्या मम्मी फेस देखने वाला यहाँ चलो आ जाओ, ये वाला बाकी आप देख लो। और इधर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक सा लाइट लगा हुआ है, वो मैं आपको रात में दिखा दूंगा जब पूरा अंधेरा हो जाएगा ना, तब मैं दिखाऊंगा कैसा लाइट है यहाँ पे। और अभी चलो मैं बाहर का गली में दिखा देता हूँ फिलहाल, अभी मेरा घर कैसा है रंग कलर से देखो, हॉल में हम अकेले घूम रहे हैं चारों तरफ, देखो पूरा कभी इधर घूमते हैं कभी इधर घूमते हैं, कहीं नहीं हो पाता है, देखो पूरा एकदम अकेला है, पूरा घूम रहे हैं बाबू अपना घर में, देखो कैसे घूम रहे हैं से। घर का सीन देखे, अभी मैं थोड़ा चारों साइड का गली दिखा देता हूँ। बड़ा है हमारा ये गली, करीब 4 फीट 3.5 फीट के आसपास में इस तरह का गली है इधर ठीक है। और वो जो बाथरूम से सटा हुआ था ये जो गेट, ये भी देखो ये भी नहीं जल्दी खुलता ठीक है। ये देखो ये सीधा गली जो देख पा रहे हैं आप ठीक है, उधर से कम है स्पेस, इधर भी थोड़ा सा कम है बट इधर वाला स्पेस ज्यादा है।
इधर आप देख लीजिए, चलो मैं एक बार छत से दिखा देता हूँ व्यू। मैं अभी छत पे ले जा रहा हूँ आपको, यहाँ से सीढ़ी है हमारा, इस तरह सीढ़ी जाएगा, सीढ़ी जाएगा। मम्मी से आगे हम निकल गए, ये सीढ़ी है और इधर बाहर छत का सीन। ये देखो बड़ा सा यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये हमारा घर नहीं है, उसी के बगल में हमारा ये घर है। पूरा छत का व्यू यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑलमोस्ट तो पूरा व्यू मिल गया होगा। और मैं आपको बता दूँ, हमारा घर के बाजू में एक पहाड़ है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, जो काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा नेचर देता है यहाँ पे। देखो सुबह सुबह यहाँ का अलग लेवल का व्यू आता है। इस लोकेशन में हमारा काफ़ी डांस का वीडियो या कोई भी शॉर्ट्स हमारा बहुत देखे होंगे, क्योंकि ये जो पीछे पहाड़ है ना, वो अलग व्यू देता है हम लोगों को। क्या बाकी हमारा घर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, कहाँ पे ख़राब है, कहाँ पे क्या है, कहाँ क्या होना चाहिए, एक बार वो अपना कमेंट बताइएगा। और कलर कैसा लगा बताइए, क्या मम्मी सही तुमको पसंद आया घर? हमको पसंद है। मम्मी का घर है तो पसंद क्यों नहीं आएगा क्या? हाँ। है ना। हाँ। बाकी आप बताइए क्या है क्या नहीं है। पापा तो अभी घर में आया नहीं है, मैं और मम्मी अभी फिलहाल घर में हूँ, बाकी सभी कोई बाहर निकले हुए। ये घर तो हम लोगों का रिसेंटली बना है, बट इससे पहले हम लोग कहाँ रहते थे उसका व्यू मैं अभी थोड़ा दिखा देता हूँ। अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ, मेरा पुराना वाला घर। तो दोस्तों मैं अपने पुराने वाला घर में आया हूँ और इस घर का कंडीशन अभी देखो बहुत खराब हो गया है। मैंने बताया था दीवार से पूरा पानी सीपेज होता है, देखो पूरा पानी सीपेज होकर कलर क्या हो गया इधर इधर, ये देखो वहां तक छोड़ो, ये नीचे जमीन में भी आप देख सकते हैं पूरा पानी सीपेज होता है। बहुत दिक्कत में हम लोग पहले रहते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक है। इधर पूरा पानी भर गया किचन में, इधर भी ये देखो पानी टपकता था, उस टाइम हम लोग ये बाल्टी रखे थे, अभी बाल्टी का हालत देखो क्या हो गया है। बाकी इधर से पूरा टपकता है पानी, अभी भी देख रहे पूरा भीगा हुआ है सब, जितना भी पार्ट्स देख रहे हैं यहाँ पे देखो किस तरह भीगा रहा है। ठीक है, कुछ कुछ सामान इधर है अभी, वो उतना सारा मेटल हम लोग तीन भाई का है वहाँ पे, अब देख पा रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पे आया तो पूजा भी कर लिया अभी, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 6 बज गया है, तो मैं पूजा कर लिया इधर। बाकी आप देख पा रहे हैं जय माता दी। तो दोस्तों अभी मैं फिलहाल निकल रहा हूँ अपने न्यू वाला घर, और वहीं पे मम्मी से मिल के मैं बताऊंगा इस घर का सिचुएशन क्या होगी अभी फिलहाल। तो दोस्तों अभी मैं फिलहाल अपना न्यू वाला घर पहुंच गया हूँ, मेरा पुराना घर का हालत देखिए कितना गंभीर हो गया है, कितना खराब हो गया है। बट वो घर हम लोगों के पास ज्यादा दिन और रहेगा नहीं, ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास में रहेगा। तो ये घर में तो अच्छा ही लग रहा होगा रहने में, है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है, वहाँ भी अच्छे लग रहा है, अब घर बन गया तो वो तो खराब होबे करेगा। बट हम लोग वहीं से हम लोग वहाँ पे कम से कम 20 साल रहे हैं ना मम्मी? हाँ, ज्यादा 20 साल ज्यादा रहे, 20 साल से भी ज्यादा रहे हैं, कम से कम 30 साल 30 साल वो घर में रहे हैं। ओ बाबा, 30 साल वहाँ रहे, मतलब मेरा कम से कम 18 या 20 साल वहाँ पे मेरा गुजरा है, तो हमको जितना पता रहेगा उतना ही बोले आपको। तो दोस्तों ये वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।